मेरा नाम आदित्य पंडित और बगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को जेम के बारे में बताएंगे। बेसिकली जेम में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सबसे बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो है टैक्स असेसमेंट का। जब तक आप टैक्स असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी कैटलॉग नहीं बना सकते, या फिर आप सेकेंडरी सेलर से प्राइमरी सेलर की ओर नहीं जा सकते। यदि आपको रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं या जेम क्या है, तो मैं इसके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसके वीडियो से आप देख सकते हैं कि जेम क्या है और आप इनिशियल लेवल पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज सबसे बाद हम जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपने को सबसे पहला हमारा, जब तक हम टैक्स असेसमेंट नहीं करते तब तक हम सेकेंडरी सेलर होते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सेलर प्राइमरी में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो देखिए कैसे। उसके लिए मुझे टैक्स असेसमेंट करना पड़ता है और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो हम आज देखेंगे सिर्फ टैक्स असेसमेंट कैसे करते हैं। तो टैक्स असेसमेंट के लिए आपको वहाँ पे इनकम टैक्स लगता है इनकम, तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स के साइट से पहला क्या करेंगे, इनकम टैक्स के साइट पे लॉग इन हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहला जेम के साइट पे लॉग इन हो गया हूँ और मैं अपने नाम के ऊपर क्लिक करके माई अकाउंट पे जाता हूँ। माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने कंपनी का डिटेल्स वगैरह वेरिफिकेशन कर लिया है। अभी यहाँ पे आता हूँ टैक्स असेसमेंट के ऊपर। टैक्स असेसमेंट में देखिए इनकम टैक्स का पूरा डाला हुआ है, पर यहाँ पे मैंने 5 डाला हुआ था, पर कोई भी टैक्स असेसमेंट ने मुझे वेरीफाई नहीं किया। अभी भी मैं यदि यहाँ पे वेरीफाई करूंगा तो वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर वे से टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के साइट पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद माई अकाउंट में जाएंगे और व्यू रिटर्न फाइल्स, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, और इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम अभी लेटेस्ट ईयर 1920 का एक्नोलेजमेंट नंबर जो है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे मुझे उसके डिटेल्स आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आईटीआर फॉर्म जो रहता है मुझे उसको व्यू करेंगे हम आईटीआर फॉर्म। तो मेरा आईटीआर फॉर्म देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका, यहाँ पे देखिए मेरा आईटीआर फॉर्म ये डाउनलोड हो गया। यहीं से मुझे वहां पे प्रॉपर वे से डेटा डालना है। यदि मैंने डेटा डालने में एक भी मिस्टेक किया तो ये मेरा ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, जब हमें यहाँ पे एडिट एंड सेव करता हूँ तो टैक्स असेसमेंट का सबसे पहला आता है पेन नंबर। तो यहाँ पे मेरा पेन नंबर डाला। अभी आईटीआर टाइप क्या है, आईटीआर 4 है जो मुझे वहां से पता चल गया, तो मैं आईटीआर 4 ले लिया। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पे मेरा एक्नोलेजमेंट नंबर, जो देखिए ऊपर में टॉप में दिखा रहा है, तो मुझे उस एक्नोलेजमेंट नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जो मुझे एक्नोलेजमेंट नंबर मिल गया, अभी आता है प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल, तो ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये अमाउंट देखिए आपको कैसे मिलेगा प्रॉफिट और गेन का, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके या फिर आप सर्च में भी जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जो मेरा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट एंड गेन क्या है, तो कंट्रोल ऐप करेंगे और E1 बोल के सर्च कर देंगे। E1 करके देखिए आपको यहाँ पे सबका टोटल आपको एक ये मिल जाएगा, जो टोटल कितना है। तो मैं वहां से अमाउंट को कॉपी करके टोटल को E1 का सब जो टोटल है वहां पे मैं E1 में टोटल नहीं, मैं अभी E1 कॉपी किया हूँ, तो E1 का A का मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ E1 A का अमाउंट। कभी कभी कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होता तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और E1 B मेरा है 2158290, तो मैं इसको अभी कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। कभी कभी E1 B आपको जीरो भी हो सकता है आपका, तो यदि E1 B जीरो हुआ तो आप इसको जीरो बोल के डाल दीजिए, यदि जीरो से नहीं हुआ तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो आपका ये सबमिट प्रॉपर वे से आपका टैक्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। और टोटल उसके ऊपर का जो कॉलम है वो टोटल का है, तो टोटल में आपको डालना है E1 प्लस E2 प्लस E3 A4 करके आपको एक टोटल मिलेगा, वो नीचे आपको मिलेगा, वो आपको वहां पे टोटल इनपुट डालना है। तो हमारे यहाँ पे 2 मिला, E1 बोल के मैं सर्च कर लूंगा तो E1 A और E1 B मिल जाएगा, जो मुझे E1 A और E1 B में इनपुट करना है। और उसके बाद आता है मेरा टोटल का, जो टोटल आपको E1 बोल के ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके नीचे आपको E1 और E2 E3 E4 और E5, कभी कभी E5 रहता है, ये सबका आपको वहां पे नीचे टोटल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे हम आते हैं, उसको टोटल हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे B5 बोल के मिल गया मुझे, जहाँ पे B1, B2, B3 और B4 बोल के उसका टोटल अमाउंट मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे उसको
सबका टोटल अमाउंट यहाँ पे इनपुट को डाल दूंगा, जो मेरा है 463114। तो यहाँ पे देख लीजिए 463114 बराबर है। अपडेट एंड सेव, इसको मैं अपडेट करके सेव, ये मेरा ITR अपडेट हो गया। अभी मैं इसको, मुझे इसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। अभी देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। मतलब आपको ये इस तरीके प्रोसेस करना है जिसका आपका ITR प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका टैक्स वेंडर असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मेरा वेंडर असेसमेंट अभी भी यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, इसलिए पेंडिंग बता रहा है क्योंकि टैक्स असेसमेंट मेरा पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि बाकी की जो मैंने यहाँ पे डाला था वो वेरीफाई नहीं किया था। तो मैं इसको बाकी के ITR को डिलीट कर देता हूँ। यदि आपको बाकी के भी ITR यदि आपको डालना है तो सेम वे से आपको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा। मैं सबको जैसे ही डिलीट कर दूंगा मेरा जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं एक बार देखते हैं डिलीट करके सबका। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप जैसे मैंने डिलीट कर दिया वेंडर असेसमेंट, अभी तक मेरा रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखिए टैक्स असेसमेंट मेरा वेरीफाई हो गया। मतलब मेरा अभी टैक्स असेसमेंट ओके हो गया और जैसे मैं सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट हो गया। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।